मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने बनाने जा रहे हैं पोहा, जो कि बहुत आसान रेसिपी है। बच्चों को भी दे सकते हैं लंच में ये बनाकर, और ये बहुत आसान है बनाने में, आइए बच्चों को भी बहुत पसंद पड़ता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पोहा कैसे बनता है। एक मीडियम कटोरी मैंने पोहा लिया है, जिसको कोई अच्छी तरह से भिगो देना है, ठीक। फिर इसके लिए मैंने और भी सामग्री तैयार किया जो आपको दिखा। थोड़ा सा बादाम लिया है, एक लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा जीरा, लाल पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी, राई, नमक और चीनी आप चाहें तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। ये आलू भुजिया जो मैंने घर पे ही बनाया है, और इसके साथ भी सामग्री लगेगा। एक प्याज काटा है मैंने, जो बारीक काट लिए चॉप करके, जो अच्छा रहेगा आप पोहा के लिए। और एक मिर्चा ली है, जो मैं बीच से इसे कट कर दी हूँ, जिससे कि अच्छा इसका ये आएगा। और थोड़ा सा धनिया लिए हैं, और एक छोटा सा लेमू लिए हैं। ये चाहें तो आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम पोहे को कैसे फ्रेश से धो लें, उसके बाद आगे बताते हैं पोहा कैसे बनता है। इस तरह के एक बर्तन ले लें, जिसमें कि हम पोहा रखेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे तो वो है कि नीचे से छन के गिर जाएगा गंदा, और पोहा फिर अच्छा से धुल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा इसको, नीचे कुछ बर्तन रख दें जिससे कि उसमें पानी गिर जाए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं, ज़्यादा नहीं धोए हैं, इसको थोड़ा देर रहने देंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए, और ज़्यादा धोने से इसका पोहा का जो साइज है वो टूट जाएगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, आगे क्या होता है बताते हैं। पोहा बनाने के लिए एक बर्तन ले, जिसको गैस पर चढ़ा दें, और उसमें फिर ये तेल को थोड़ा देर गर्म होने दें, फिर इसमें हम और मटेरियल डालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें लाल मिर्च, जीरा, राई और बादाम दे दिए हैं। इसे थोड़ा देर हम इसे चलाएंगे, जब तक बादाम ये ना हो जाए अच्छी तरह से, थोड़ा ऐसे चलाते रहेंगे। थोड़ा देर चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चीनी दे दें, आपको अगर पसंद है तो, अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको भी अच्छी तरह से हम चला लेंगे, ठीक। देखिए मेरा थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और मिर्चा भी डालकर अच्छी तरह चला। मिर्चा और प्याज हमने डाल दिया है, इसको धीमी आंच पे हम धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे, ठीक, जब तक प्याज थोड़ा ये ना हो जाए। आप इसे चाहे तो कुछ देर ढक सकते हैं, इसमें नमक और हल्दी देकर, ओके। देखिए दोस्तों, मैं इसे ढक दी हूँ अच्छी तरह से, ये थोड़ा देर में थोड़ा ये प्याज मुलायम हो जाएगा, तो इसमें और भी हम मटेरियल डालेंगे। देखिए कितना अच्छा तरह से इसका कलर आ गया है, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। अभी तो आधा मसाला डालेंगे इसमें हम डालेंगे, उसके बाद देखिए कितना मस्त लगेगा इसका टेस्ट, खाते ही रह जाइएगा। और ये पोहा बनाना इतना भार नहीं है, ये सिंपल सा बच्चे के लंच में भी दे सकते हैं, ओके। इसमें अब हम ब्लैक पेपर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, ओके। देखिए इसमें हम ब्लैक पेपर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिए हैं। अब इसी टाइम आप चाहें तो इसमें लेमू डाल दे सकते हैं थोड़ा सा, ठीक, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, ओके।
ज़्यादा नहीं, दो चार बोल। ठीक, लेमू डालकर थोड़ा देर इसे हम कवर कर देते हैं जिससे कि इसका खुशबू और अच्छा आ जाए। ओके, फिर इसमें हम पोहा डाल देंगे। इसमें हम पोहा डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हल्के से चलाएंगे जिससे कि मिक्स हो जाए और सभी मसाला इसमें अच्छी तरह से आ जाए। ओके, तो ऐसे ही हम चलाते रहेंगे थोड़ा देर के लिए, फिर ये ठीक हो से मिक्स हो जाए। देखिए दोस्तों, ये इतना अच्छा से मिक्स हो गया है कि आप खा सकते हैं, एकदम जैसे लगता है अभी ही खा सकते हैं, पर अभी हुआ नहीं है। इसको अभी थोड़ा देर हम कवर कर देते हैं। ओके, तो ये पोहा भी थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, तो फिर इसमें हम धनिया डाल देंगे। देखिए इसमें हम धनिया डाल दिए हैं, इससे भी अच्छा खुशबू आता है धनिया। आप चाहें तो जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, अपना मर्जी है, पर हम ज़्यादा नहीं डाले हैं। और इसको ऐसे अच्छे तरह चलाते रहें। धनिया याद रखिएगा, धनिया लास्ट में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इसका कलर धनिया का ये पत्ता है जो ये गल जाएगा। तो इसको ज़्यादा देर चलाना नहीं है, बस लास्ट के एक मिनट चलाना है। और जब भी कुछ डालें तो थोड़ा सा झाँक दें जिससे कि इसका सेंट है जो इसमें अच्छी तरह से बरकरार रहे। देखिए ये मेरा पोहा रेडी हो गया बनकर, और हम गैस को अब बंद कर देंगे। ओके, और इसको हम प्लेट में, खाने वाला प्लेट में निकाल देते हैं ताकि आप देखिए कैसा बना है और खा के टेस्ट करें। देखिए मेरा पोहा बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस पे आलू की भुजिया डाल सकते हैं जिससे खाने में अच्छा लगे और टेस्ट लगे, और चाहें तो ऊपर से लेमू भी ले सकते हैं, पर हम दे दिया लेमू तो ज़्यादा लेमू नहीं लेंगे। ओके, तो रेडी है मेरा पोहा, देखिए कितना सुंदर बना। कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर हमें बताएं ताकि हम आगे से और भी अच्छा रेसिपी बनाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास मेरे अच्छे रेसिपी आते रहें।